वॉमिटिंग हो जाती थी। लेकिन जब पता चला उस टाइम सिम्टम कोई नहीं था, उनको एक शुरू से प्रॉब्लम होती थी कि विंटर्स में उनके जो हाथ हैं वो येलोइश ब्लूइश हो जाते थे, उंगलियां, हाथों की उंगलियां ठंड की वजह से नंब हो जाती थी। तो किसी ने बोला कि एक बार एचबी वगैरह चेक करवा के देखो, तो उन्होंने वैसे ही ब्लड टेस्ट करवाए तो उसमें एचबी लो आया। लेकिन ये जो फिनोमेना है, ये जो सिम्टम्स है हमारे काइंड ऑफ फ्रॉस्ट बाइट के, उनको काफी देर पहले से आते हैं। सो अभी ये जो उनकी कंप्लेंट थी कि यही 5-6 महीने से टायर्डनेस रहती है, वीकनेस रहती है, थोड़ा सा भी काम नहीं होता, थकावट हो जाती है ऑब्वियसली। हेडेक है 17-18 साल से, कोई अभी का नहीं है, ठीक है ना। राइट साइडेड हेडेक रहता है ज़्यादातर, लेफ्ट में बहुत रेयरली कभी होता है। सनलाइट से एग्रवेशन है, खाना स्किप हो जाए, पीरियड्स आने से पहले हेडेक होता है, जब होता है तो काफ़ी सीवियर होता है, पूरा पूरा दिन पे ठीक भी नहीं होता, बड़ी बार मेडिसिन लेने से भी ठीक नहीं होता, ठीक है ना। सो सिमिलरली ये जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना फ्रॉस्टबाइट के सिम्टम्स हैं, ये भी हैं 2016 से उनको, जब से थोड़ा सा एचबी का उनका पता चला है। तो जो फुल फिंगर्स हैं वो नम हो जाती हैं 3 साल से, पहले येलो हो जाती हैं और उसके बाद वो ब्लू होने लग जाती हैं। वार्म रूम में मिलरेशन मिलता है, कॉन्स्टिपेशन है वो भी काफ़ी देर से है इनको, पास्ट हिस्ट्री में टाइफॉइड हो चुका है 3 बार, 2 बच्चे हैं इनके, दोनों सी सेक्शन से हुए हैं, पीरियड्स मेंसेस नॉर्मल हैं, फैमिली में हस्बैंड है, मदर इन लॉ है और 2 बच्चे हैं। फादर की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर हर। ठीक है ना। और चिल्ली है अभी, थर्स्ट नॉर्मल है, भूख वैसे टॉलरेट हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा देर ना खाओ तो फिर हेडेक होना शुरू हो जाता है। सॉल्टी फूड डिज़ायर है, गर्म खाना पसंद है, स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आधा घंटा लग जाता है नींद आने में, बार बार खुलती रहती है नींद, लेकिन इट इज़ नॉट अ डीप स्लीप। मेमोरी भी पहले से वीक हुई है, से हेयर ड्रेसिंग की जॉब कर रहे हैं, 2008 में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो उनको तंग करती हैं कि जैसे घर जॉब से घर आते हैं तो कोई अगर खलारा पड़ा है, बिखरा पड़ा है चीज़ें सामान, तो फिर गुस्सा आता है, लेकिन 5-10 मिनट में शांत भी हो जाते हैं। शुरू से शाई नेचर रहा है, जल्दी फ्रेंडली नहीं होते किसी के साथ, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है ना। दोस्त बनाना बोल रहे कि मुश्किल होता है, अगर किसी पे पूरा ट्रस्ट हो जाए तो ही फ्रेंडशिप करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। डैड की डेथ के बाद मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, अभी बोल रहे कि कम रोती हूँ, इतना नहीं रोती, लेकिन स्टार्टिंग से बहुत इमोशनल थी। ये चीज़ एवरीडे अफेक्ट करती है कि मेरे डैड की डेथ हो गई है, आई मिस हिम, और उसके बाद मैं अभी पहले जैसे नहीं रही हूँ, मैं अंदर से हैप्पी नहीं रहती, सैड रहती हूँ। फादर से बहुत अटैचमेंट थी, तो 2014-15-16 ये जो 3 साल थे, 14-15 और 16, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का स्ट्रेस था, 2-3 साल काफ़ी स्ट्रेस रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रही है, पीआर के लिए अप्लाई किया था वो नहीं हो पा रहा था, तो 2018 में पीआर मिली है। टीचिंग शुरू से अच्छा लगता था, लेकिन उस तरफ उन्होंने ज़्यादा परस्यू नहीं किया, लेकिन जब पूछा गया कि शुरू से क्या करना अच्छा लगता है तो टीचिंग उन्होंने बताया कि अच्छा लगता है। ये था जो उन्होंने केस दिया।
अब इसमें क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? नमस्ते सर नमस्ते जी। सर, इसमें सनलाइट एग्रेवेशन और बिफोर मेंसेस हेडेक हो रहा है इनको, और जी वार्म रूम से एमरेडेशन है, और ज़्यादा देर तक नहीं खाती हैं तो हेडेक होने लगता है, और साई नेचर जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, जब घुल मिल जाती हैं मतलब ट्रस्ट हो जाता है तभी मिलती हैं, और फादर की डेथ से इनको जो शॉक लगा है वो, और गर्म खाना पसंद है, साल्टी फूड डिजायर, और जो इनकी फिंगर्स हैं नम होती हैं तो पहले येलो होती हैं फिर ब्लू हो जाती हैं। तो फिर कौन सी मेडिसिन देंगे इनको? इनका थर्मल तो हॉट रहेगा, नहीं तो चलिए थर्मल इनका चिली है। चलिए नेट्रम यूरी देंगे। हाँ, क्योंकि टॉपिक का नाम ही नेट्रम्यूर है ना, नेट्रम्यूर वाले सिम्टम देख लिए बीच में से, है ना? नहीं सर, सिम्टम मिल रहे नहीं हैं। सर, सिम्टम मिल भी रहे हैं, है सिम्टम मिल भी रहे, जैसे डैड की डेथ से बहुत मिस कर रही हैं, उसको शॉक लगा, ये भी है। क्या चेंज आई उनकी डैड की डेथ के बाद से? वो जल्दी रोती नहीं है, मतलब पहले हर बात पे रोने लगती थी, तो अब उतना जल्दी रोना नहीं आता है उनको। तो ये क्या चीज है? ये लोगों में तो उल्टा होता है, ग्रीफ के बाद जनरली लोगों का अपने रोना बढ़ जाता अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं, दबा रहे हैं। है, वेंट आउट नहीं हो रहा है सर। हेलो सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं वेंट आउट नहीं हो रहा है सर? सर। अनडिमोन्स्ट्रेटिव भी तो हो सकता है ना ये, अगर वो बताना नहीं चाह रही है, कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या हो अनडेमोन्स्ट्रेटिव मतलब? जनरली लोगों में। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वीपिंग? रोने की सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में? इमोशंस का वेंट आउट करना। हाँ वो तो बोल के भी हो जाता जब वो तो बोल के सर, नहीं कैसे भी हो बयां कर सकता सकते हैं है ना, तब, रो के डांस करके कैसे भी। है जैसे जब बोल नहीं बोल के वो अपना दर्द नहीं बयां कर पा रहे हैं तो रोने लगते हैं। हो सकता है कि वो अपने पापा से मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड रही हो, और जब उनकी डेथ हुई हो तो उनको लगा हो कि अब इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ नहीं है, इसे फीलिंग तो मतलब हुई ना, फादर ये की जो डेथ हुई अपनी कि मतलब इससे बड़ा दुख अब मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मतलब वो ऐसी हो गई हो। लेकिन वो तो और रोना चाहिए ना उनको, रोना बंद क्यों कर दिया? मेरा क्वेश्चन ये है, रोना कम क्यों हो गया उसका? वो मैं समझ गया, और उसमें हो सकता वाली बात नहीं होती है, अपने फादर से बहुत अटैच थी। श्योर वेरी मच अटैच टू हर फादर। फादर की डेथ केम एज अ शॉक बिकॉज ही वॉज हेल्दी, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। इट वॉज अ सडन थिंग विच हैपन्ड। सर, ऐसी स्टेज में अक्सर पेशेंट को शॉक लगता है, पर वो रोना तो चाहता है, पर वो खुद से रो ही नहीं पाता। हाँ, वो एक्यूट स्टेट है शॉक की, तो अभी तो हम क्रॉनिक उसकी बात कर रहे हैं ना, अभी तो उस चीज को डेढ़ दो अभी कोई और दो मिला नहीं होगा सर, कोई और मिला नहीं होगा जिसके साथ वो शेयर कर सके। वो सिर्फ पापा ही रहे होंगे कि जिनके सामने वो रो सके। स्पेकुलेशन नहीं करना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए अच्छा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए, तो इतने सालों में नहीं उसने स्ट्रॉन्ग शो किया? अच्छा,
इतने सालों में उसने स्ट्रॉन्गली शो नहीं किया अपने आप, चलो क्योंकि डैड थे ना। हाँ, कोई नहीं, ठीक। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीपिंग, ठीक है ना, रोने का जो पर्पस है वो क्या होता है। ठीक है, आपने सही बात बोली कि वेंट आउट होता है, हमारा अंदर का वेंट आउट होता है। हम जनरली देखते हैं कोई बात है हमारे मन में, कोई गुस्सा है, माइक बंद कर दीजिए अपने सर, कोई बात है हमारे मन में, कोई गुस्सा है, कुछ भी है, एंग्जाइटी भी है, ठीक है ना, जब लोग रो लेते हैं किसी बात के ऊपर तो फॉर अ टाइम बीइंग दे फील लाइट। सबने ये चीज़ नोट की होगी, रोने के बाद इंसान हल्का होता है। बड़े लोग आप देखोगे रोने के बाद ना, जब थोड़ा हो गया रोना रोना तो अपने आप उनकी हंसी भी आनी शुरू हो जाती है, वापस हंसने भी लग पड़ते हैं, बिकॉज वो इतने लाइट हो जाते हैं, दे कम बैक टू दैट नॉर्मल स्टेट जो होती है एक उनकी, ठीक है ना, उसकी तरफ वो वापस आना शुरू कर देते हैं। सो वीपिंग इज हैज दैट बिग अफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम रोते किन चीजों के ऊपर हैं, हमारा रोना किन बातों पे निकलता है, हम बोल के भी तो बात बता सकते हैं। बड़े लोग होते हैं वो बोलते भी हैं, बताते भी हैं बात, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। रोना तब आता है, रोना उन चीजों की इवैक्यूएशन है, उन चीजों की एक्सटर्मिनेशन है जो बातें शब्दों में बयान नहीं हो सकती। सर पेन को लेके, जैसे मतलब कोई पेन हमारा अंदर है तो उसको पेन में बोल रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो चीजें शब्दों में बयान नहीं हो सकती, जितना भी हम फील करते हैं, जितना भी हमारे अंदर है बातें, हम सोचते बहुत हैं, हम अपने आप के साथ बातें करते हैं, हम चीज़ों को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उनके बारे में विचार बनाते हैं, वहाँ से हमारे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें बातों में नहीं बताई जा सकती, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। सो जो बच जाता है, जो बहुत सारा होता है, उसकी जो इवैक्यूएशन है दैट इज थ्रू योर वीपिंग, through your tears. So that is why weeping is very important. बच्चे ज्यादा क्यों रोते हैं, क्यों बता नहीं पाते, शब्दों में बता नहीं पाते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है शब्दों में बताना शुरू करता है, उसका रोना कम होता जाता है, ठीक है ना। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वीपिंग इन अवर लाइफ। अब जैसे मैंने बोला कि रो लेते हैं, निकल जाता है, तो एक हल्कापन आ जाता है जीवन में। तो ये जो पेशेंट है पर्टिकुलर, इसने रोना कम कर दिया, तब तक रो रही थी, वो हल्कापन था जीवन में, बता रही थी, कुछ रो लेती थी, निकल जाता था। लेकिन फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर्स 3 ईयर्स ये जो प्रोसेस है ये बंद हो गया, ये बंद हो चुका है, वो रो नहीं रही, हल्की नहीं हो पा रही, उसको रोना आता नहीं है, रोना चाहती नहीं है, ठीक है ना। सो वो जो प्रोसेस है वो बंद हो गया है उसका, ड्यू टू द ग्रीफ ऑफ द फादर। नेट्रोम्यूर में एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, हम बोलते हैं गम को हंडाना, ठीक है ना, गम को पालना। इनके अगर कोई गम ऐसा आ जाए, उसको पालते हैं, पलोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो इसीलिए जो नेट्रम्यूर है वो रिजर्व्ड हो जाता है, ठीक है ना, ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता अपने उसको, गम को, दुख को, क्योंकि उसको वो पालना होता है। हम जाएंगे आगे उसके बारे में बात करते हैं, उसके सिम्टम रूब्रिक्स हैं कुछ, मैं बताता हूँ आप। लेकिन जनरल नेट्रम्यूर की पिक्चर होती है ये, ठीक है ना। अब इसके साथ अनीमिया कैसे एसोसिएट हो जाता है, सो व्हाट इज अनीमिया बेसिकली, एज ऑक्सीजन इज न्यूट्रिशन ऑफ फिजियोलॉजी, सो इज जॉय द न्यूट्रिशन ऑफ सोल। जैसे ऑक्सीजन हमारी फिजियोलॉजी के एक जनरल न्यूट्रिशन है, हर सेल को, हर प्रोसेस को होने के लिए, हर बायोमैकेनिज्म को होने के लिए, हर रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जो हमारी सोल है, हमारे एक जीवांत है, उसको रहने के लिए, उसको बढ़ने के लिए जॉय की जरूरत है, ठीक है ना। हैप्पीनेस नहीं लिखा,
इट इज जॉय. जॉय अलग चीज है, हैप्पीनेस होती है खुशी, सिंपल खुशी. जॉय एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा इंसान खुशी से, पूरी तरह से नहीं लेकिन खुशी से थोड़ा थोड़ा ब्लिस की तरफ, एक्सुबरेंस की तरफ, आनंद की तरफ जाना शुरू होता है, ठीक है. सो इट विल हैव अ गुड इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए, आपने बहुत ही खूबसूरत कोई चीज देखी, कोई पहाड़ देखी, कोई दरिया देखा, एकदम शांत हो गए, दैट इज जॉय. घर में आप किसी के साथ अटैच्ड हो, किसी के साथ इमोशंस शेयर करते हो, उनके पास बैठे बात की, एक रिलैक्सेशन आ गई, दैट इज द फीलिंग ऑफ जॉय. जॉय होता है अंदर से, उसमें इंसान हंस भी सकता है, लेकिन उस हंसने में एक शांति होती है, आनंद होता है. सो एनीमिया इज कॉज्ड बाय अ कंटीन्यूअस फियर ऑफ जॉय और लैक ऑफ जॉय इन लाइफ. जो एनीमिया है, जब वो उस जॉय से डरने लग जाए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए कि इंसान सोचता है कि खुशी जो है वो टेम्परेरी है, ज्यादा लंबी नहीं रहती, इसलिए ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए इंसान को, बड़े लोगों की फिलॉसफी बन जाती है. या खुशी है तो खुशी के बाद तो दुख आएगा ही आएगा. सो द पीपल दे स्टार्ट फियरिंग जॉय ड्यू टू दिस रीजन दैट इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, और जॉय में भी बिगिनिंग ऑफ सम सॉरो, इसके बाद कुछ ना कुछ बुरा होना ही है. खुशी आई है तो गम आएगा ही, दुख आएगा ही इसके बाद. सो दे स्टार्ट डेवलपिंग अ फियर ऑफ जॉय, या जॉय को जीवन में से धीरे धीरे करके खत्म ही करते रहते हैं. कोई भी चीज जो खुश करती है वो साइड में करते रहते हैं. पहले जो भी चीज अच्छी लगती थी, खुशी देती थी, कुछ पढ़ना, कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ देखना, कुछ लिखना, कहीं जाना आना, कुछ लोग, सबसे थोड़ा धीरे धीरे करके कट ऑफ होना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना. सो देन दे विल स्टार्ट गोइंग इनटू द स्टेट्स ऑफ अनीमिया. उनमें अनीमिया की स्टेट्स शुरू हो जाती हैं. बच्चों में जिनमें अनीमिया बड़ी जल्दी डेवलप हो जाता है, उनको जो जो चीजें अच्छी लगती थी उनसे कट ऑफ कर दिया गया. जहां पे उनको जॉय मिलता था, जो भी चीजें थी, कोई खाने से, कोई खेलने से, कोई बाहर जाने से, किसी के पास बैठने से उनको अच्छा लगता था, उनसे एक बच्चा था, मुझे केस याद है, तो वो बच्चा ना शाम को अपने पड़ोसियों के घर पे जाता था. और जो पड़ोस वाले थे, जो भी थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका बच्चा भी था, उसके साथ खेलता था, और वो भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, लाइक देयर ओन सन, ठीक है ना. उसको खाने को देते थे, उसका ख्याल रखते थे. बड़ी बड़ी बार उस 6-6 घंटे उधर ही रहता था वो, पड़ोसियों के इधर ही, इतना वो उनसे घुल मिल गया था. सो ओवर 1-1.5 साल ये चीज़ चली. 1.5 साल के बाद दिस चाइल्ड्स फादर हैड अ फाइट विद नेबर. उन्हीं के साथ इनकी किसी बात के ऊपर अनबन होगी, कोई फाइट होगी, कोई खींचातनी होगी, तो इस बच्चे को मना कर दिया गया, भाई तुम्हें उधर नहीं जाना. शुरू शुरू में रोता था, इरिटेबल होता था, लेकिन धीरे धीरे करके चुप होने लग गया, वीकनेस आने लग गई, लेकिन खाना नहीं खाता था प्रॉपरली. तो जब डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, सो ही बिकेम वेरी सीवियर एनीमिक विद इन 2 or 3 months. पेल हो गया एकदम से, ठीक है. सो जो बच्चों में जिनमें ये जो जॉय होता है उनको छीन लिया जाए, उसको छीन लिया जाए कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से, किसी काइंड ऑफ प्रेशर की वजह से, दे विल स्टार्ट फीलिंग एनीमिक इन वेरी स्मॉल एज. बच्चों की जॉय इज अवर नेचुरल स्टेट. जॉय हमारी एक कुदरती स्टेट है, नेचुरल हेल्दी स्टेट है. जॉय में रहना, हल्का रहना, ये हमारी कुदरती स्टेट है, ठीक है ना. हम हमारी जो अंदर से आवाज है हमेशा हमें जॉय की तरफ लेके जाती है. बट द ब्रेन, द इंटेलेक्ट, इट विल टेल डिफरेंट स्टोरीज टू नॉट गो टुवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है ना.
सो नेट्रम्यूर में भी इसकी एक झलक देखने को मिलती है। हमारे कुछ रूब्रिक्स है, इनडिफरेंस टू जॉय, समा ऐसा आ जाता है, इतना डर लगता है, इतना उसको कभी कभी गुस्सा भी आता है जब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं आसपास में, जॉय में है, खुश है, तो क्या फायदा क्या इन चीजों का। स्टार्ट बिकमिंग इनडिफरेंट, कोई भी चीज जो जॉय देती है उन चीजों के लिए इनडिफरेंट होना शुरू कर देते हैं। घर वाले ज्यादातर बताएंगे, आस पास वाले, फिर उसको जो जो चीजें अच्छी लगती थी ना, बड़ी खुशी खुशी करती थी, इसमें सब छोड़ दिया होगा। अगर आसपास में कुछ होता भी है खुशी वाला या हम ट्राई करें, तो शी डज नॉट रिस्पॉन्ड और ही डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दोज थिंग्स। कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट अफेक्शन, अपनी अफेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाता, इतना रिजर्व्ड हो जाता है, इतना अंदर चला जाता है, ठीक है ना, कि कोई भी चीज डिमॉन्स्ट्रेट करनी उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसकी उसे किसी की फिक्र है, उसे कोई अच्छा लगता है, लेकिन उस अच्छे लगने से या उस फिक्र में से या रेसिप्रोकेटेड अफेक्शन में से जो जॉय मिलना है वो उससे भी दूर हो जाता है, डर जाता है उससे। क्योंकि उसकी एक फिलॉसफी बना देती है कि खुशी मिली तो मतलब दुख मिलेगा ही मिलेगा, अटैचमेंट हुई तो मतलब हर्ट हो गई होगा। सो दिस बिकम्स एन अनहेल्दी स्टेट। तो वो दुख से या जो ट्रांसफॉर्मेशन है खुशी से दुख की, उससे बचने के लिए, उस चीज से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए, ही प्रेफर्स टू बी इनडिफरेंट, टू नॉट शो हिज अफेक्शन। दिल टूटेगा इसलिए कहीं दिल लगाना ही नहीं। Dwells on past disagreeable things to grieve। बैठ के जानबूझ के पुरानी चीजों को याद करते हैं ग्रीव करने के लिए, दुख अंदर डालने के लिए। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि In our lives, we get addicted to our neurotransmitter, to certain neurotransmitters. इनकी addiction होनी शुरू हो जाती है। Epinephrine की, norepinephrine की, dopamine की, serotonin की, oxytocin की, इनकी हमें kind of, इसीलिए हम कोई ना कोई अपने उसमें से, even आसपास में से कोई ना कोई चीजें ऐसी ढूंढते रहते हैं कि हमारे वैसे emotions आएं और वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो और बॉडी की स्टेट्स वैसी ही रहें जैसी हमें एडिक्शन हुई हुई। अगर दुख की एडिक्शन हुई हुई है तो कोई ना कोई आसपास में से दुखी चीजें हमें देखने को मिली जाएंगी, सुनने को मिली जाएंगी, ठीक है ना, और एक फीलिंग रहेगी कि भाई जीवन में बहुत दुख है, लोगों को बहुत दुख है। नेट्रम्यूर में एक टेंडेंसी बन जाती है पुरानी चीजों को याद करना, किस चीज के लिए, ग्रीव करने के लिए, दुख करने के लिए, अंदर ही अंदर वो सेरोटोनिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन के लिए। सैडनेस एंजॉयज, एंजॉय करता है अपनी उदासी। स्क्रीन शेयर तो नहीं करनी थी, स्क्रीन मैसेज शेयर नहीं हो रही है। अरे अरे हर बार ऐसे ना कर। हो रहा है भी शेयर? हाँ सर हो रहा है। तो जो पहला स्लाइड एनीमिया की, सो सैडनेस एंजॉयज, एंजॉय करता है अपनी सैडनेस को, दुख को एंजॉय करता है, आदत पड़ जाती है उसकी। आसपास देखने वाले देखेंगे भी दुखी रहता है, कोई ना कोई चीज दुख वाली निकाल के रखता है, कोई ना कोई चीज। मेरे एक फ्रेंड है, हम जब भी मिलते हैं, स्कूल फ्रेंड है मेरा, तो ही इज ऑलवेज यू नो रेडी टू स्टार्ट विद के यार जीवन में ऐसा हो रहा है, जीवन में ऐसा ही होता है, शुरू से मेरे साथ ऐसा ही होता है, देखो तभी ये हुआ, तभी वो हुआ, फिर वो हुआ, कभी अच्छा टाइम बिताया ही नहीं है,
हमेशा स्ट्रगल ही चल रही है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही चल रहा है लाइफ में. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच दे विल यू नो टॉक अबाउट. उनके पास बात करने के लिए चीज ही ये होती है. ग्रीफ बॉयस्ट्रस एक रूपरेख है हमारा, ग्रीफ बॉयस्ट्रस, उसकी एक फीलिंग होती है बॉयस्टिंग की. बॉयस्टिंग क्या होती है? टू शो इससे बड़ा, इससे चीज, एक फुकरापन, लेकिन वैसे वाला नहीं, मेरे से बड़ा दुख किसी का क्या हो जाएगा. जितना दुख मुझे जीवन में मिला है मैं ही सहार गया, कोई और मेरी जगह होता तो कब का खत्म हो जाता. बूस्टिंग है अपने आप को, अपनी उस चीज को लेके कि मैंने इतना दुख ग्रीफ झेला है जीवन में, जितना मैंने झेला उसका कोई 10% भी झेल लेना तो पागल हो जाए. सो देयर बॉयस्ट्रस अबाउट देयर ग्रीफ, ये उनकी ईगो का एक पार्ट है. द ग्रीफ बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेट्रम्यूर्स ईगो. छोड़ कैसे दे उसको, वो चाहता ही नहीं छोड़ना उस चीज को. कभी नेट्रम्यूर आते हैं डिप्रेस्ड स्टेट में होते हैं, तो उनको बोलो कोई बात नहीं, मेडिसिन देते आप ठीक हो जाएगी. आगे से ना बड़ी सार्डोनिसिस मजे आते हैं. तो डॉक्टर साहब साथ में जाएगा अभी. As if they have not come for solution, वो solution के लिए आए ही नहीं है. चलो जी देखते हैं, दुखी इतने बड़े बड़े हैं, इनका तो नहीं निपटारा हो सकता. मुझे लगता है थोड़ी सेहत ठीक हो जाए बस ठीक. So the grief becomes part of their ego. वो अपने आप को represent ही grief के साथ करते हैं कि जितना मैंने सहार लिया, जितना मैंने दुख झेल लिया, इतना कोई झेल ही नहीं सकता. सो दिस लैक ऑफ जॉय, अभी इतने साल हो गए अंदर कोई खुशी नहीं प्रोड्यूस हो रही, अंदर किसी भी बात की कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कोई भी चीज उस तरह से एक्साइट नहीं करती. सो एक बिटरनेस आनी शुरू हो जाती है, कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है. लोग भी आके बार बार बोलते हैं, इसलिए तो कंसोलेशन एग्रेवेट करती है इसको. कंसोलेशन एम्यूलेट किसी को इसलिए करे जो उससे बाहर निकलना चाहता है. हाँ मुझे कोई अच्छी बात बताओ, मैं निकल के बाहर आऊं. वो निकलना ही नहीं चाहता, वो बोलता है आप आके क्यों मेरे को ये सब बातें बताते रहते हो, आपको लगता है मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में? पता है, लेकिन मेरा दुख इतना बड़ा है. उसको होता है जितने मेरे को कंसोल करने आते हैं, समझाने आते हैं, इनको खुद को कोई दुख नहीं, इनको दुख का डी भी नहीं पता, द भी नहीं पता, और आ रहे हैं समझाने. आप किसी की बात तब सुनोगे जब आप ओपन हो, किसी चीज को खुले हो. ठीक है ना, नेट्रम्यूर बंद है इस चीज के लिए. उसने आपको आपको समझा लिया, बता दिया है कि भाई तेरे जितना दुख किसी को जीवन में हुआ ही नहीं है, तेरे जितना कष्ट किसी ने सहा ही नहीं है. ठीक है ना, अगर उनको कोई एग्जांपल देखो, उसको ऐसा हुआ, उसको ऐसे हुआ, वो भी तो खुश है, वो भी जी रहा है, वो भी वो तो छोड़ दो, मेरा जो दुख है वो मेरे को ही पता, आपको उसका कोई अंदाजा ही नहीं. So they become so, इसीलिए उनको देखते हुए ऐसा लगता है वो इन चीज से ना निकलना ही नहीं चाहते. आसपास के लोग इस चीज को समझ लेते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं वो छोड़ भी देते हैं उसको निकालना, छोड़ भी देते हैं कि इसने नहीं निकलना इसमें से. शी डज नॉट और ही डज नॉट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इस सबसे क्या होता है, इतनी देर एक बिटरनेस बननी शुरू हो जाती है, अंदर कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है. लोगों के लिए जो आके समझाते हैं, आसपास वालों के लिए जो सब बोलते रहते हैं, तो हमारे पास आ बैठ बैठ के, क्योंकि सबने वही बातें करनी है. ठीक है ना, तो एक कड़वाहट इरिटेशन साथ में डेवलप होनी शुरू हो जाती है. और जब भी फिर उस स्टेट में रोना निकलता है, बड़े कड़वाहट से भरा होता है, इरिटेबल रोना होता है उसमें, उसमें इरिटेबिलिटी होती है.
गुस्सा होता है उस रीजन में। ठीक है ना, सो ऐसी जो स्टेट्स हैं वो नेट्रम्यूर में ऐसी बीमारियों को जन्म दे जाते हैं और भी बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है ना, लेकिन हाँ नेट्रम्यूर की एक स्टेट रहती है जहां पर नेट्रम्यूर जाके प्रिस्क्राइब होती है, वो ये स्टेट होती है। जब आप देखते हो एनालाइज करते हो बाकी सब चीजों से तो आपको देखने को मिलता है ये चीजें तो एक जीवन का पार्ट है, होता है बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, इज नॉट द ओनली पर्सन। लेकिन नेट्रम्यूर के हिसाब से शी और ही इज द ओनली पर्सन जिसके साथ दुनिया में ऐसा हुआ। ठीक है ना, हमने पहले भी बात की हुई है ईगो के ऊपर, तो कैसे हम ईगो में खुद के लिए एक यूनिकनेस देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कैसे यूनिक हो जाएं। तो ये नेट्रम्यूर अपने आप को ऐसे यूनिक देखता है बाकी लोगों से। नेट्रम्यूर की नेट्रम्यूर के साथ बनी नहीं सकती कभी, वो बोलता मेरा दुख बड़ा, वो बोलता मेरा दुख बड़ा, बताओ कैसे बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई थे डॉक्टर वो बोल रहे थे कि नेट्रम्यूर को नेट्रम्यूर ही समझ सकता, वो कभी समझ ही नहीं सकता नेट्रम्यूर को नेट्रम्यूर, वो ईगो क्लैश ही बहुत बड़ा होता है उनका। अगर एक घर में दो नेट्रम्यूर हो जाए और तो बस फिर ठीक है ना, क्योंकि नेट्रम्यूर दुख समझने वाली दवाई नहीं है, किसी का दुख समझने वाली इग्निशियस दैट रेमेडी नो डाउट होता है। नेट्रम्यूर ने नेट्रम्यूर अपने आप में इतनी ऑब्सेस्ड है अपने दुख को लेके, इतनी ऑब्सेस्ड और किसी के ये तो टाइम ही है नहीं उसके पास। ठीक है ना, चलो अभी शुरू करते हैं हमारा ऑर्गेनन का पार्ट। सो हमने 168 तक कर लिया था, सेफरिज्म 169। इफ ऑन द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ अ डिजीज and the first selection of a medicine, we should find that the totality of the symptoms of the disease would not be effectually covered by the disease elements of a single medicine. और हमने जब सबसे पहले case taking की और case taking करके first selection की medicine की, हमारे दिमाग में medicine आई, हमने देखा पूरा analysis किया अच्छे से और हमें देखने को मिला कि जितनी भी totality of symptom है disease की वो actually एक सिंगल मेडिसिन से कवर हो ही नहीं पा रही, ओइंग टू द इनसफिशिएंट नंबर ऑफ नोन मेडिसिन। ठीक है ना, उस पहले भी मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी, अभी फिर से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे उनके पास, डॉक्टर हनुमान क्या बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास इनसफिशिएंट नंबर ऑफ नोन मेडिसिन है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी प्रूविंग्स हो चुकी हैं तो ऐसी स्टेट कम आती है, बहुत कम आती है। उस एफोरिज्म का बहाना लेके नहीं करना भी, छोटे छोटे पार्ट को दवाइयां देते रहे। एग्जामिनेशन हैज टू बी अ वेरी केयरफुल एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जब हम करते हैं वो भी बड़ी केयरफुली करते हैं। इन सब चीजों को केयरफुली करने के बाद, लेबोरियसली करने के बाद भी लगे कि नहीं, ये पूरा जो है डिजीज प्रोसेस एक सिंगल मेडिसिन से कवर नहीं हो रहा है, but that two medicines contend for the preference in point of appropriateness. लेकिन दो medicines जो हैं वो एक appropriateness को पूरा करती हैं, दो medicines हैं वो completely इसको cover कर सकती हैं। One of which is more homeopathicable, suitable for one part and the other for another part of symptom of the disease. इनमें से एक जो है वो homeopathically suitable एक part के लिए है और दूसरी जो है वो दूसरे part के लिए है। ठीक है ना, इट इज नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं है, आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मोर सुटेबल ऑफ द टू मेडिसिन टू एडमिनिस्टर द अदर विदाउट एग्जामिनेशन। पहले तो ये नहीं भी दो दवाइयां दे देनी है दोनों पूरे को कवर करती हैं, वो तो करना ही नहीं कभी, वो तो करना ही नहीं, बिकॉज टू मेडिसिन कैन नॉट स्टिमुलेट वाइटल फोर्स exactly as it should be. Stimulation एक ही ले सकता है vital force. There has to be a single stimulation. दो stimulation नहीं हो सकती कभी, वो तो कभी करना ही नहीं। लेकिन उन दोनों में से भी हमने एक सोचा कि भी ये ज्यादा लग रही है suitable, हमने दे दी और आराम आना शुरू हो गया
तो ये नहीं है कि दूसरा बिन फिर दूसरी दवाई दे देनी है उसको बाकी के सिम्टम के लिए, नहीं, ठीक है ना। टू एडमिनिस्टर द अदर विदाउट फ्रेश एग्जामिनेशन, फ्रेश एग्जामिनेशन करना है दोबारा से फॉर द मेडिसिन दैट सीम टू बी नेक्स्ट बेस्ट वुड नॉट अंडर द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि हो बड़ी बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम दोबारा से केस को देखते हैं तो जो हमने मेडिसिन सोची हुई थी कि ये लग रही थी उस टाइम, वो अंडर द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कई सिम्टम अभी जा चुके हैं, कुछ नए आए होंगे, तो ये जो चेंज हुआ सर्कमस्टेंसेस का, इनके अकॉर्डिंगली वो जो पुरानी मेडिसिन थी वो ठीक नहीं लगती। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, उसमें एक रेमेडी चाइना आ रही थी, दूसरी रेमेडी नेट्रम्यूर आ रही थी, कुछ पार्ट ऑफ सिम्टम को चाइना कवर कर रही थी, कुछ को नेट्रम्यूर कवर कर रही थी, लेकिन चाइना में मोर सूटेबल लगी बिकॉज ऑफ द symptoms of fever, because of the periodicity, because of whatever the thing was there, हमने चाइना दे दी, तो चाइना ने काफी symptoms को ठीक कर दिया, काफी symptoms को ठीक कर दिया, लेकिन कुछ symptoms जो चाइना के purview के बाहर थे वो वैसे के वैसे ही हैं, कुछ नए symptoms और develop हो गए, ठीक है ना, कुछ symptoms और नए develop हुए या फिर पुराने symptoms थे वो वापस reoccur हो गए हैं। तो अभी क्या करना है, जब हम दोबारा से उसको रिकंसिडर करते हैं, जो बचे हुए सिम्टम्स हैं या जो नए आए हैं उन सबको रिकंसिडर करते हैं, तो हम देखते हैं कि नहीं, अभी तो नेट्रम्यूर बिल्कुल भी नहीं लग रही, पहले तो लग रही थी थोड़ी बहुत, आधे सिम्टम हमें लग रहा था कुछ पार्ट ऑफ सिम्टम, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नेट्रम्यूर कवर ही नहीं कर रही किसी भी चीज़ को, और ये होता है कॉमनली, यही होता है खास करके एक्यूट डिजीज में, कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्यूट डिजीज है जो क्रॉनिक की तरफ जा रही है, ठीक है ना, उनमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा केसेस में। सो अंडर द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट हैज इन मीन टाइम टेकन प्लेस बी सूटेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स दैट देन रिमेन, इन विच केस कॉन्सिक्वेंटली अ मोर अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी मस्ट बी सिलेक्टेड। तो ऐसे केस में एक नई रेमेडी फ्रेश एग्जामिनेशन के साथ, फ्रेश केस टेकिंग के साथ, फ्रेश एनालिसिस के साथ एक नई होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्ट करनी पड़ती है इन प्लेस ऑफ द सेकंड मेडिसिन जो हमने सोची हुई थी उसकी जगह पर, फॉर द सेट ऑफ सिम्टम्स एज दे अपीयर ऑन अ न्यू इंस्पेक्शन। क्योंकि जब न्यू इंस्पेक्शन की तो एक नए सेट ऑफ सिम्टम हमें सामने देखने को मिले। सो टू थिंग्स मे हैपन आफ्टर सच अ प्रिस्क्रिप्शन, नॉट फ्रीक्वेंटली पेशेंट गेट्स डिजीज फ्री, ठीक है ना, जनरली पेशेंट डिजीज फ्री हो जाता है, जो हमने पहले एफोरिज्म 8 में 7 में किया था कि डिजीज फ्री हो गया, हमने एक प्रिस्क्रिप्शन दी, ठीक है, और पेशेंट ठीक हो गया। फ्रीक्वेंटली क्या होता है, न्यू सिम्टम्स अराइज, नए सिम्टम आ गए, उसमें करना क्या है, दीज सिम्टम्स आर टू बी कंसिडर्ड एज सिम्टम्स ऑफ द ओरिजिनल डिजीज एंड प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंगली। इनको ओरिजिनल डिजीज के सिम्टम्स के रूप में ही लेना है, आगे चल के इस पर बात भी करेंगे डॉक्टर एनिमन के, ऐसे सिम्टम्स जो डेवलप होते भी हैं After the prescription, ठीक है, जब हम वन साइडेड डिजीज की बात करेंगे उसमें डॉक्टर ने मैंने इस चीज के बारे में बताएंगे कि ये जो असेसरी सिम्टम्स डेवलप होते भी हैं ये वही सिम्टम्स होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकती थी इस ह्यूमन बींग में, जो डिजीज प्रोसेस उसमें चल रहा था, अगर वो चलता रहता काफी लंबे समय तक विदाउट एनी हिंड्रेंस या कोई और उसके अंदर स्टिमुलेशन आ जाती, हमने भी स्टिमुलेट किया ना इकोनॉमी को, तो अगर उसमें कहीं और से स्टिमुलेशन आ जाती और उस स्टिमुलेशन के बाद एक डिजीज प्रोसेस शुरू होता, वो भी ऐसा ही होता जो हमारी स्टिमुलेशन के बाद निकल के बाहर आया है। सो दे आर टू बी कंसिडर्ड एज द सिम्टम्स ऑफ द ओरिजिनल डिजीज एंड प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंगली। हेंस इन दिस एज इन एवरी केस वेयर अ चेंज ऑफ द मॉर्बिड स्टेट हैज अकर्ड, सो इस केस में या कोई भी ऐसे डिजीज के केस में जहां पे कोई भी चेंज आई है, द रिमेनिंग ऑफ सेट ऑफ सिम्टम्स नाउ प्रेजेंट मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू। आजकल हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, कई दवाइयां ले रहे होते हैं, तो सिम्टम्स सब्साइडेड होते हैं, ठीक है ना, या मेडिसिनल कोई सिम्टम्स आए होते हैं, तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी पिक्चर बन जाती है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो मेडिसिनल सिम्टम्स उनको अलग किया जाए, ठीक है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, जो उसके ओरिजिनल डिजीज के कोई सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनको देखा जाए,
लेकिन स्टिल समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन दीज केसेस. तो वहां पे हमारी क्या अप्रोच होती है कि जितने भी करेक्टरिस्टिक हमें मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, चाहे किसी मेडिसिन के स्टार्ट करने के बाद आए हों, ठीक है, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं पेशेंट के, उनको लेते हैं उसके ऊपर मेडिसिन देते हैं. मेडिसिन देने के बाद कुछ सिम्टम्स चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, फिर उनको देखा जाता है. क्योंकि जो बड़ी देर से क्रॉनिक डिजीज चली आ रही होती हैं, वहां पे बड़ी बार मुश्किल हो जाता है एक ही मेडिसिन से ठीक करना, बिकॉज ऑफ द मैनी लेयर्स ऑफ डिजीजेस विच हैव फॉर्म्ड. तो एक एक लेयर ऐसे छील के साफ करनी पड़ती है उसकी. बड़ी बार एक ही मेडिसिन से सारा कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो एक मेडिसिन उसके पूरे डिजीज प्रोसेस को कवर करके बैठी है. और बड़ी बार ऐसे लेयर छीलनी पड़ती है ऊपर से. बट उस लेयर छीलने में ये नहीं करना कि कोई भी जो भी सिम्टम उलझलूल सामने मिल रहा हो लेते हो जी छोटी सी लेयर छीले, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू गो बाय दैट प्रोसेस. व्हाटएवर इज करैक्टरिस्टिक, व्हाटएवर इंडिविजुअलाइजेस दैट. ये लॉ तो हमने, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन तो भूलना नहीं ना, चाहे कोई भी केस हो. द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज नॉट टू बी फॉरगॉटन. हर इंक्वायरी में, हर फ्रेश एग्जामिनेशन में आपने यही देखना है कि और कौन से इसके इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं, और कौन से करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को बयान करते हैं, ना कि उसकी बीमारी को. आवर होल इंस्पेक्शन इज इन टू द पेशेंट हु इज इन अ डिजीज्ड स्टेट, नॉट द डिजीज स्टेट ऑफ द पेशेंट. ठीक है ना. सो ये जो बेसिक होम्योपैथिक थिंकिंग है, ये डेवलप होनी जरूरी है और ये डेवलप्ड रहनी जरूरी है. तो ये एफोरिज्म धीरे धीरे करके हमें अंदर घुसते जाते हैं, हमें समझ में आते जाते हैं. ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं भूलने हमने. सो जब भी एक चेंज आता है ऐसे मॉर्बिड स्टेट का, द रिमेनिंग सेट ऑफ सिम्टम्स नाउ प्रेजेंट मे बी मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू. And without paying any attention to the medicine, which at first appeared to be the next in point of suitableness. और उसके बारे में नहीं सोचते रहना कि नेट्रमूर पहले मैंने सोची थी, दूसरी दवाई उसके देखूं कितने सिम्टम बचे हैं उसके देखो. Without paying any attention to the medicine, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना कि नेट्रमूर आपने सोची थी, भूल जाओ उसके बारे में. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से हमारी गलतियों की शुरुआत हो जाती है. हम गलतियां करने लग जाते हैं. सो विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द मेडिसिन विच एट फर्स्ट अपीयर्ड टू बी द नेक्स्ट इन पॉइंट ऑफ सूटेबलनेस, उसकी तरह तो ध्यान ही देना. हमने जो नए सेट ऑफ सिम्टम्स हैं उनके बारे में पूछना है, एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू सिलेक्ट अनदर होम्योपैथिक मेडिसिन एज अप्रोप्रिएट एज पॉसिबल टू द न्यू स्टेट नाउ बिफोर अस मस्ट बी सिलेक्टेड. तो एज होम्योपैथिक एज अप्रोप्रिएट जो दवाई है उसको सिलेक्ट करना है. लेकिन इफ इट शुड सो हैपन, एज इज नॉट ऑफन द केस, ऐसे ज्यादातर होता नहीं है, जनरली ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए, दैट द मेडिसिन विच एट फर्स्ट अपीयर टू बी द नेक्स्ट बेस्ट सीम्स स्टिल टू बी वेल अडेप्टेड टू द मॉर्बिड स्टेट दैट रिमेन्स, सो मच द मोर स्टिल इट मेरिट अवर कॉन्फिडेंस एंड डिजर्व टू बी एम्प्लॉयड इन प्रेफरेंस टू अनदर. लेकिन बोल रहा कि अगर जो नेट्रमूर आपने पहले सोची थी ड्यूरिंग फ्रेश एग्जामिनेशन है उसके बारे में सोचना, लेकिन आप ले रहे हो सिम्टम, ले रहे हो नए सेट ऑफ सिम्टम ले रहे, ठीक है ना. और वो जब हमने सारा एनालाइज कर लिया और फिर से समझ में आ रहा है कि सबको नेट्रमूर ही कवर कर रही है. डॉक्टर एनवन बोलते हैं ऐसा जनरली होता नहीं है, और होता भी नहीं है जब हम क्लिनिक्स में देखते हैं, ऐसा नहीं होता कॉमनली, जनरली ऐसी चीज होती नहीं. लेकिन अगर ऐसा हो जाए बाय चांस, ऐसा हो जाए कि वही मेडिसिन जो है वो नए सेट ऑफ सिम्टम्स को भी कवर कर रही है, तो उससे फिर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाता है कि हाँ पहले भी ये कवर कर रही थी और नए को भी करती है, एंड इट डिजर्व्स टू बी एम्प्लॉयड. तो फिर इसी की प्रेफरेंस ज्यादा बन जाती है बाकी सब दवाइयों के ऊपर. सो बेसिक प्रिंसिपल वही है कि हमने जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी सिमिलैरिटीज को देखते जाना है कि कौन कौन सी मेडिसिन उनको कवर करती है. व्हाटएवर बी द स्टेट,
व्हाटएवर बी द कंडीशन. यहाँ पे सिर्फ हनुमान सर ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली गलती मत करना कि जो आपने उस टाइम मेडिसिन सोची थी वो बिना सोचे समझे उसी को आगे कंटिन्यू कर दो पहली मेडिसिन के बाद. कुछ एफोरिज्म में डॉक्टर हनुमान बताते हैं करना क्या है, कुछ में बताते हैं क्या नहीं करना है. दोनों चीजों का ध्यान रखना है, ज्यादा क्या नहीं करने वालों का, क्योंकि ये चीजें आपको प्रेजुडाइज कर देंगी. जब आपने दो दवाइयां निकाल ली, तीन दवाइयां शुरू में सोची उसके बारे में, एक उनमें से बेस्ट सूटेबल लग रही है, बाकी की दो नहीं लग रही, आपने पहली दी उसने थोड़ा बहुत असर किया काम किया ठीक है ना, और फिर सोच रहे हैं कि चलो दूसरी, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग प्रेजुडाइज नाउ. वो उस चीज के बारे में बोल रहे हैं सर कि ये गलती नहीं करनी आपने. जब भी आपने दोबारा तो आपको लगता है कि दवाई की चेंज की जरूरत है, किसी नई रेमेडी की जरूरत है, ये रेमेडी का एक्शन खत्म हो चुका है और काम नहीं कर रही मेडिसिन, देन मेक अ फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, गो बाय दैट थिंग. उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी प्रिस्क्रिप्शन की, पेशेंट जल्दी ठीक होगा. ठीक है ना. सो एफोरिज्म 171. In non-venereal chronic diseases, those therefore that arise from sora, we often require in order to effect a cure to give several antisoric remedies in succession. ऐसी chronic diseases जो non-venereal, psychosis और syphilis से नहीं, sora से arise हो रही हैं, बड़े लंबे समय से chronic disease चली आ रही हैं, तो बोलते हैं कि we often, बड़ी बार, अक्सर ही क्योर पूरा करने के लिए हमें कई एंटीसोरिक्स देनी पड़ती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लेकिन उनकी कोई लाइन नहीं है. सल्फर दिए जी, उसके बाद कैल्केरिया देनी है, फिर लाइकोपोडिया, ऐसे नहीं है उसका. डॉक्टर हनुमान ने बता दिया भी कैसे देनी है, हर बार फ्रेश एग्जामिनेशन करना है, जो रेमेडी सूटेबल है वो वाली देनी है हमने. टू गिव सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज इन सक्सेशन, एवरी सक्सेसिव वन बीइंग होम्योपैथिकली चूजन, और जो भी हम दे रहे हैं वो होम्योपैथिकली चूजन होनी चाहिए, इन कंसोनेंस विद द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं उनके कंसोनेंस में, उनके साथ एग्री होनी चाहिए, रिमेनिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी, लेकिन पुरानी रेमेडी का एक्शन भी एक्सपायर होना जाना चाहिए. आपको पता लग जाना चाहिए भी अभी ये दवाई काम नहीं कर रही, इसने जितना काम करना था वो कर चुकी है. ठीक है ना, विच मे हैव बीन एम्प्लॉयड इन अ सिंगल डोज और इन सेवरल सक्सेसिव डोजेस, क्योंकि हमारी पहली कोशिश यही होती है कि जो हमने दवाई दी है वो जितने लंबे समय तक काम करे, जितने सिम्टम्स को रिमूव कर सके वो करती है. तो उसमें हमने सिंगल डोज से भी हो सकता है वो, और हो सकता है कि हमने कुछ और डोजेस दी हैं, उसको रिपीट की हुई है. लेकिन अगर एक समय आ गया है जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो रेमेडी का एक्शन है ये एक्सपायर हो चुका है, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगी, देन यू नीड टू चूज अ होम्यो न्यू होम्योपैथिक एंटीसोरिक रेमेडी होम्योपैथिकली, जो के जो सिम्टम्स हैं अभी उनके साथ वो एग्री करती हो, उनके सिमिलर हो. तो डॉक्टर थे, किसी पेशेंट में उन्होंने पल्स अटला दी, पल्स अटला से इम्प्रूवमेंट आ गई, तो उसके बाद उन्होंने, पेशेंट हॉट ही था, उन्होंने उठा के सिलीशिया दे दी, तो सिलीशिया से कोई ज़्यादा हुआ नहीं, काम नहीं बना. तो फिर उन्होंने देखा भी सिलीशिया से काम नहीं, फिर से पल्स अटला दे दी, फिर उसने भी काम नहीं किया. फिर उन्होंने उठा के फ्लोरिक एसिड दे दी, तो उससे भी कुछ नहीं बना, उल्टे नए सिम्टम्स आने शुरू हो गए जो पहले नहीं थे. तो फिर चलो, उन्होंने पेशेंट को भेजा मेरे पास, मैं दी उनको उसको मेडिसिन, पेशेंट ठीक होना शुरू हो गया. जो उसके उस टाइम पे सिम्टम्स थे, हमने उसको नेट्रम फॉस दी थी शायद से, नेट्रम फॉस के बाद ही स्टार्टेड बिकमिंग बेटर. तो वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने नेट्रम फॉस कैसे दे दी, क्योंकि उसके सिम्टम्स से मैच कर रहे थे नेट्रम फॉस के साथ, तो दे दी गई. जो भी उसको मैंने बताया कि ये सिम्टम है, नेट्रम फॉस ऐसी होती है. नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो डॉक्टर कैंट ने लिखा हुआ है ना कि पल्स के बाद सिलीशिया देनी है, फिर फ्लोरिक एसिड देनी है. हाँ जी, जो डॉक्टर कैंट ने लिखा हुआ,
डॉक्टर केंट ने यही लिखा, डॉक्टर केंट ने लिखा कि पल्सा पिला के पेशेंट्स में कभी कभी ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो सिलीशिया की तरफ भी दिखा सकते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं सिम्टम जो फ्लोरिक एसिड की तरफ भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो कोई लीनियर अप्रोच नहीं है। बड़े वगैरह लिखा हुआ जिन्होंने डॉक्टर ने क्योंकि कैल्केरिया सल्फर और लाइक को ऐसे घुमा घुमा के देनी होती है, घुमा घुमा के नहीं, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि कुछ पेशेंट जो कैल्केरिया के हैं वो कभी कभी सल्फर के सिम्टम्स में डेवलपमेंट हो जाती है उनकी, या आगे चल के लाइको के सिम्टम में डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसके हिसाब से देखा। लेकिन कोई जरूरी भी इन्हीं में डेवलप हो, कहीं पर भी डेवलप हो सकती है, चीज किसी भी तरफ जा सकती है। हमारा ब्रेन हमें ना हमेशा आसान चीजें सीख जाने को कहता है कि ये शॉर्टकट उठा ले, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा सोचना ना पड़े इसके बारे में, जहां पे हम रियलिटी ऑफ प्रोसेस को भूल जाते हैं कि जो प्रोसेस है इन रियलिटी वो काम करता कैसे। होम्योपैथी में प्रिंसिपल्स फिक्स्ड हैं, दवाइयां किधर को जाती हैं, कौन से सिम्टम डेवलप होते हैं कैसे, वो फिक्स नहीं है। होम्योपैथी इज बेसिकली बेस्ड ऑन लाइफ प्रिंसिपल्स, तो जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं वो तो हमेशा ही फिक्स्ड होते हैं, जो आपकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी, वो तो फिक्स्ड ही है, लेकिन रोज की कैसा क्या होगा वो थोड़ी फिक्स है। दिन कैसे गुजरेगा, घंटा कैसे गुजरेगा, ये थोड़ी फिक्स है हमारा। सो उसी तरह वो जो फ्लो है सिम्टम्स का, सोरा का, उसमें कोई फिक्सिडिटी नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन बनती गई, जैसे जैसे कारण बनते गए, वैसे वैसे सिम्टम्स डेवलप होते गए, जो जो सेंसिटिविटीज चेंज होती गई, जैसे अभी मैंने वो नेट्रम्यूर है, ठीक है ना, वो फादर की डेथ पे उसकी सेंसिटिविटी चेंज होगी, तो जैसे जैसे वो सेंसिटिविटीज चेंज होती गई वैसे वैसे पेशेंट चेंज होता गया, उसके सिम्टम्स चेंज होते गए, उसकी डिस्पोजिशन बिहेवियर्स चेंज होते गए, तो वो तो कभी भी स्टेबल नहीं है। हम कैसे उसको लीनियर उसमें लगा दें, हम कैसे उसको फिक्स्ड स्टेट में कर दें, ठीक है ना। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, उस एक्सपीरियंस को एज एन एक्सपीरियंस लेके चलो, ठीक है, अगर हमें भी ऐसा देखने को मिला तो देखेंगे, अगर कभी ऐसा हुआ तो देखेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि सिम्टम्स मैच होने चाहिए, द करैक्टरिस्टिक्स शुड बी मैच्ड, द होम्योपैथी सॉरी द मेडिसिन शुड बी हो बी होम्योपैथिकली चूजन, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इससे नहीं भटकना हमने कभी। सो सिमिलर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ क्योर अकर्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बींग टू फ्यू, कुछ बीमारियां हैं जिसमें सिम्टम्स भी बड़े कम होते हैं, पेशेंट आया उसके पास सिम्टम्स भी बड़े कम है, तो बस ये एक ही सिम्टम है जी, बाकी तो सब ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। A circumstance that deserves our careful attention. और जितने सिम्टम कम हो उतनी ही हमारी अटेंशन ज्यादा हो जानी चाहिए, फॉर बाय इट्स रिमूवल, ठीक है ना। सर्कमस्टांस क्या है, अभी इस एफोरिज्म में सर्कमस्टांस इसको क्या कहा है, दिस सर्कमस्टांस symptoms of disease being too few, ठीक है ना, ये एक circumstance है कि इसमें symptom of disease बड़े कम है, क्यों, और इस circumstance को हमने remove करना है, symptoms अच्छे से बाहर निकल के तो है, पता तो लोगे बीमारी है क्या, ये तो latent sclerosis की stage में है ज्यादा, ठीक है ना, यह one-sided disease में convert हो गया है। For by its removal almost all the difficulties that can lie in the way of this most perfect of all possible modes of treatment, except that its apparatus of own homeopathic remedies is still incomplete, are removed. तो ये circumstances इसको remove करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको remove किए बिना हमें जो treatment है, जो cure है, वो possible नहीं हो पाएगा, तो इस circumstances को remove करना बड़ा जरूरी है। तो हनुमान सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, मोस्ट परफेक्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एक्सेप्ट कि हमारे पास अभी दवाइयों का थोड़ी सी कमी है,
है ना, लेकिन वो अगेन वो तब की बात है, आज की नहीं, ठीक है ना। आज हमारे पास बहुत बहुत दवाइयाँ हैं, बोला कि इतना अच्छा हमारे पास मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उसमें एक ये जो डिफिकल्टी आती है, एक जो ऑब्स्टेकल आता है कभी कभी कुछ केसेस में क्योर को अकर होने के लिए कि सिम्टम ऑफ डिजीज बड़े कम होते हैं, तो सर्कमस्टांस को हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक ही करेंगे, इसको भी रिमूव करना, फिर वो साथ के साथ 10-12 एफोरिज्म है, वो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आज फिर बीच में ही रह जाएगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी चीज को लेके, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर। जो नेट्रम हॉट होता है, और सर जो वो केस था चिली वाला अभी जो आपने शेयर किया, तो सर थर्मल का कितना इम्पोर्टेंस है कंसीडर करने का? थर्मल की बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है, पूरे क्लियर किया। लेकिन कुछ डिजीज फिनोमिनास, ठीक है, जनरली आपको जैसे कि अनीमिक पेशेंट्स में मिलेगा कि वो लोग थोड़ा कोल्ड की इनटॉलरेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या जिनमें थोड़ा ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना चलता है उनमें चिल्लीनेस की ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। कोई हार्ट के पेशेंट्स हैं, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनमें हॉट जो है इनटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ द डिजीज, नॉट ऑफ द पेशेंट। और चिल्ली भी अगर करेक्टरिस्टिकली आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं चाहता था कि आप में से कोई इस चीज को देखे और वो पूछे, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू गेव इम्पोर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हॉट चिल्ली की इम्पोर्टेंस तब है जब वो हीट और कोल्ड की इंटॉलरेंस इज नॉट ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल थिंग गोइंग ऑन इन द पेशेंट। अगर किसी पैथोलॉजी में कॉमनली फॉर एग्जांपल मीनोपॉज में फ्लशेज आती हैं सबको, तो उसको वहां पे हॉट पेशेंट लेना वो तो एक गलती होगी हमारी, क्योंकि एक पैथोलॉजिकल स्टेट है, एक पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है बॉडी की, जहां पे कॉमनली फीमेल्स को गर्मी ज्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है, वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुखार में भूख कम हो जाती है, तो वहां पे हम ये तो लेते नहीं कि भाई लॉस ऑफ एपेटाइट है, पता है भी बुखार में भूख कम हो जाती है, कॉमन है, ठीक है ना। कुछ खाया पिया ऐसा तो उसको लूज मोशन आ गया, तो हम ये नहीं लेते भी डायरिया, हमें पता है कुछ खाया पिया वो कॉमन है स्टेट में भी ऐसा हो गई होगा, या किसी को आई भी ऐसा तो उसमें हम कोई डायरिया के सिम्टम्स नहीं लेते, हमें पता ही है कि तो हो गई, अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा तो देखा जाएगा। कोई डायबिटिक है उसको थर्स्ट ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर उसको थर्स्टी नहीं लेते हम, तो पता है अभी डायबिटीज में लोगों को जनरली प्यास ज़्यादा लगती है। It is a common state with this phenomena. So, हर बार की तरह मैं आपको भी बता रहा हूँ बार बार कि जो कॉमन स्टेट्स आ जाती हैं किसी पैथोलॉजिकल स्टेट्स में, वो हमने नहीं लेनी, वो नहीं लेनी हमने, उसके बिना क्या है पेशेंट, ठीक है, इसीलिए वहां पे जो चिल्लीनेस है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। चलिए इसी के साथ आज की जो क्लास है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी जुलाई में, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में होनी है यहाँ पे, तो जुलाई में करेंगे अभी नेक्स्ट जो सेशन है उसको शुरू। जब भी नेक्स्ट सेशन शुरू होगा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा फॉर अ नंबर ऑफ क्लासेस, जो लोग वो करेंगे उन्हीं को मैसेज आएगा क्लास का, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट विद दैट प्रोसेस इन द स्टार्ट ऑफ जुलाई और इन द एंड ऑफ जून, वो जो भी होगा आपको ग्रुप में पता लग जाएगा, ठीक है जी। चलिए गुड नाइट सबको।